मैं आज बैंकॉक के एक अलग एरिया में आया हूँ। इस एरिया का नाम है नाना। ये सुकमित से 2 स्टॉप आगे ही है मेट्रो से जैसे हम आएंगे। तो मैं इस एरिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने आज का होटल अपना यहीं लिया है। इससे पहले जो मेरा होटल था वो था मेरा सुकमित में। मैं नाना में इसलिए मैंने अपना होटल लिया है क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बैंकॉक की सबसे अच्छी नाइट लाइफ में से एक नाइट लाइफ नाना प्लाजा की है और मेरा होटल भी उसी के पास है। तो मैं कोशिश करूँगा कि रात को उस नाइट लाइफ में जाऊँ और वहाँ पे आपके लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए यहाँ की फिल्मिंग कर सकूँ, रात को वीडियो बना सकूँ। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि नाना एरिया आखिर कैसा है, कैसी वाइब्स यहाँ पर दिन में होती हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे दिखा रहा है ये, 11 मिनट, 850 मीटर। पैसिफिक सिटी क्लब अभी यही है। तो यार एरिया तो काफ़ी अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग इस एरिया में बनी हुई हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर है। आर्किटेक्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा है। और जो मैं एक चीज़ नोट कर पा रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ है हर चीज़ का, जैसे कि कहीं भी अवैध पार्किंग नहीं मुझे दिख रही यहाँ पे, और काफ़ी साफ़ सफाई भी है। अच्छा, पार्किंग को मैंने यहाँ देखा है, यहाँ पे पार्किंग लोग वहीं करते हैं ज़्यादातर जिस जगह पे पार्किंग बनी होती है। यहाँ पर ना सड़कों पे अलग डब्बे से बने होते हैं, उनमें ही लोग पार्क करते हैं। ये काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट मुझे यहाँ का लगा। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात मैंने ये देखी कि जैसे हमारे यहाँ पे किराना वगैरह के स्टोर होते हैं ना, बड़े बड़े बनिया टाइप होते हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कल्चर जो है वो इनका है, जैसे 7-Eleven हमारे यहाँ पर 24/7 होते हैं ना, तो उस टाइप का यहाँ पर कल्चर है। तो जो भी आपको सामान चाहिए वो वहीं से लेना पड़ेगा। ओके, चलते हैं फिर। हमारा आगे ही दिखा रहा है ये नाना स्टेशन। हम उल्टे आ रहे हैं और सीधे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मैं चल तो रहा हूँ पर पता नहीं यहाँ पे एक मुझे कुछ डाउट ये लग रहा है कि गूगल मुझे रास्ता गलत ना बता रहा हूँ यहाँ पे। पर चलो चलते रहो, देखते हैं। मुझे भी चलने में मज़ा आ रहा है देखने में यहाँ के नज़ारे। एक तो मौसम इतना अच्छा हो रखा है यहाँ पे, वाकई में अच्छा मौसम हो रखा है, और रास्ते में जो नज़ारे मुझे दिख रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये जो यहाँ पे चला गया वो, तो इनको देख लो आप, इन चचा चचा और चची को, ये यहाँ बैठ के झिंगे पिंगे खा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे पोर्क, बीफ, चिकन और सी फूड में मगरमच्छ, केकड़ा, झींगा, ये सब चीज़ देखी थी। तो ये जितने भी हैं ना, ये चाइनीज़ लोग हैं इस टाइप के, ये सभी झींगा मछली ये इंसान को भी खा सकते हैं, मुझे देख के ऐसा लगता है। पर बैंकॉक है अच्छी जगह है, एक बार तो आना चाहिए, आना बनता है। बैंकॉक में भी एक से बढ़कर एक थाई मसाज आप लोग ले सकते हैं। मसाज के लिए थाईलैंड जाना जाता है और उसका पूरा ध्यान बैंकॉक में भी रखा हुआ है। नाना पे आके भी आप ये मसाज ये सब कर सकते हैं। अब चलते रहिए, देखता हूँ मैं आगे क्या है। इसके टोपी लगा लो उतार के। ये आ गया मेरे सामने अभी पोस्ट ऑफिस। अगर किसी को यहाँ पे अपना पोस्ट वोस्ट करना हो, किसी को प्रेम पत्र लिखना हो, तो ये पोस्ट ऑफिस है भाई थाईलैंड का, ऐसा है। और यहाँ पे आके अपना खूब प्रेम पत्र लिखो अपनी गर्लफ्रेंड को, ये ऐसा कुछ देख लो। फिर मत बोलना कि मैंने थाईलैंड का पोस्ट ऑफिस नहीं दिखाया, मैंने एक एक चीज़ दिखा दी यहाँ की। अब मैं आगे और भी अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। वेस्टर्न यूनियन, पैसे वैसे भेजने हो किसी अपने प्यारे मित्र को, ये पोस्ट ऑफिस में ही बना हुआ है। ये मनी एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज भी यहाँ पर लगभग लगभग हर 400-500 मीटर पे एक मनी एक्सचेंज आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा।
यहाँ पर शायद ना मैरिजुआना मिलता है भांग, शायद इसमें कंफर्म नहीं हूँ मैं, पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे चड्डी पहने हुए खड़ी है। तो आगे आगे आपको चड्डी का कलेक्शन दिखाता हूँ मैं, चड्डी का कलेक्शन ये देखिए, चड्डियाँ ही चड्डियाँ। ओम फो ओम फो घटे तार रहे हैं तो एकदम तगड़ी चड्डी होती है यहाँ पर। भाई चड्डी दिखाओ हमारे दोस्त को, चड्डी दिखनी चाहिए कलेक्शन में चड्डियाँ। आओ JW Marriott, JW Marriott ये मेरा होटल है। I am joking। आओ मेरा छोटा सा है, छोटा सा आओ। अब यहाँ से वो एरिया शुरू होने वाला है जो कि पूरी दुनिया में नाइट लाइफ के लिए फेमस है। आप इसको दिन में देखिए, फिर मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि रात को यहाँ पर क्या माहौल होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये दिन में इतना शांत और रात को इतना बवाल है, मतलब वही है ना मिंटोस जिंदगी, वो यहाँ पे रात को होती है। वो मैं दिखाऊंगा आपको दूसरी वीडियो में। यहाँ पर रात को आप यकीन नहीं मानेंगे, इस टाइम पे यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मासूम सा बच्चा है, पर रात को यहाँ पर हैवानियत जग जाती है। और ये मतलब एशिया की सबसे फेमस नाइट लाइफ में से एक उस एरिया में से है, और यहाँ पर आपको जो चाहोगे वो मिलेगा। समझ रहे हो, जो जो आपके दिमाग में होगा वो आपको यहाँ सब मिलेगा। और ये देख रहे हो जो जो टाइगर लिखा हुआ है, ये टाइगर, इसको टाइगर मत मानना, ये यहाँ की सबसे फेमस बियर है। और एक आपको ऊपर बोर्ड पे दिख रहा होगा चैंग, ये चैंग भी यहाँ की सबसे फेमस बियर में से एक है, हर कोई यही पीता है। ये मोहतरमा भी मुझे लग रहा है कि शायद चैंग ही पी रही होंगी। अगर कोई मेरा भाई यहाँ पर आए तो मेरी तरफ से उससे पूछना कि मैडम आप कौन सी बियर पी रही है, और उससे पूछ लेना कि मुझे पिला दोगी क्या, ये पिला देंगी, क्योंकि आप थाईलैंड में हैं, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ मेरे बिल्कुल बैक साइड में, ये है नाना प्लाज़ा। इसको आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो भैया ये एशिया की सबसे बड़ी एडल्ट मार्केट है, ये वाली बिल्कुल जो ये शांत पड़ी है बिल्कुल। अभी पीछे गाड़ी है, इस तरफ हो जा, इस तरफ, अरे इस तरफ हो जा। भैया पोल डांस चल रहे हैं 10 मिनट। हे हेलो गर्ल्स, हेलो हाउ आर यू, आई एम कमिंग बैक सून। ड्रेस काफ़ी अच्छी पहन रखी है आपने, मैं आता हूँ होटल से जाके अभी। तो एक बात तो है, थाईलैंड में आने के बाद आप किसी भी लड़की से खुलकर बात कर सकते हैं, वो आपको रेस्पॉन्स देगी ही देगी, इंडिया की तरह आपको चपाटा नहीं लगेगा, इस बात की तो यहाँ पर गारंटी होती है। तो जब भी आप आएँ यहाँ पर, तो अगर आपका मन करता है इलू इलू करने का तो आप बात करिए, वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े बेवड़े देख लिए, बियर का गिलास लगा के और सीधा तभी हटाया मुँह से जब वो फिनिश हो गया, उससे पहले तो बंदे ने हटाया ही नहीं। गर्मी बहुत है यहाँ पे, ये तो बात है भाई, गर्मी बहुत है। जनवरी में इतनी गर्मी, तो गर्मियों में यहाँ पे क्या हाल होगा, यहाँ पे तो नंगा घूमना पड़ेगा गर्मियों में। तो यहाँ पर नाना प्लाज़ा ख़त्म होता है, और अभी सामने मेरा होटल है। होटल में जाने के बाद मैं चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करके फिर रात को नाना प्लाज़ा की फिल्मिंग करूँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।